नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूटीआई के बारे में बात करने वाले हैं, मींस यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अब चाहे यह इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में हो, या किडनी में हो, या यूरेथ्रा में हो, या फिर यूरेटर में हो, हमारे रीनल सिस्टम के किसी भी हिस्से में यदि यह इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्यों, किस कारण से हमें हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब यूरिनरी ट्रैक्ट में माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं, और मेनली ये बैक्टीरिया ही होते हैं, तो इसे हम यूटीआई कहते हैं, और इसमें पेशाब की जगह का इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन साफ सफाई ना रखना इसका मेन कारण है, और इस तरह का इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा देखा गया है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस तरह के इन्फेक्शन में पेशेंट को यूरिन जाने की बार बार इच्छा होती है, और हर बार यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है। पेशेंट को यूरिन करने में लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेड़ू के हिस्से में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जेनाइटल जो हिस्से होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पेशेंट को बाथरूम के दौरान और बाथरूम करने के बाद भी पेशाब की जगह पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसमें यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, और यदि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पेशेंट के यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, इसलिए यूरिन थोड़ी पिंकिश या रेड कलर की हो जाती है। और जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पेशेंट को पीछे की तरफ फ्लैंक्स में, लोअर एब्डोमेन और फ्लैंक्स में पेन होने लगता है, और पेशेंट को यूटीआई के साथ साथ फीवर भी आने लगता है। और यूटीआई का एक सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है कि इसमें रिकरेंसी की टेंडेंसी होती है। यदि अब मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूं, तो इसकी रोकथाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि पेशेंट को यूटीआई के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से पेशेंट की यूरिन डाइल्यूट हो जाती है, और जिससे वह खुल के आती है, और खुल के आने से क्या होता है कि जब बाथरूम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, और पेशेंट को यूटीआई का इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है कैंथरिस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बाथरूम करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत पेन होता है, उसको बार बार बाथरूम आती है, और जब वो बाथरूम करने जाता है, पेशाब करने जाता है, तो यूरिन बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, और पेशेंट को इस टाइम पेन जो होता है, जो पेन का कैरेक्टर होता है, बहुत चुभता हुआ सा होता है। और जब पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है तो कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, और उसको पेड़ों वाले हिस्से में पेन होने लगता है, और साइड्स, पीठ के साइड्स में, किडनी वाले हिस्से में भी उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब यह इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को साथ में फीवर भी आ जाता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैंथरिस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस कड़ी में नंबर टू मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को वो यूटीआई का इन्फेक्शन तो है ही, पर कभी कभी साथ में दूसरे भी किडनी की बीमारी है, जैसे कि उसको रीनल स्टोन है। यदि उसको किडनी में पथरी बनी हुई है, उसके कारण बार बार यूटीआई हो रहा है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें पेशेंट को हमेशा ये फील होता रहता है कि उसकी ब्लैडर में कुछ यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप रह गई है, इसलिए उसको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। और इसमें एक चीज़ और है कि पेशेंट को पूरे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, फ्लैंक्स में पेन होता है, और पेन उसका थाइस तक रेडिएट होता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है टेरेबिंथियाना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब यूटीआई की प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस हो जाती है, और पेशेंट को यूरिन में ब्लड आने लगता है, और पेशेंट को यूरेथ्रा के हिस्से में सूजन आ जाती है, और उसको किडनी वाले हिस्से में भी इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, उसको लोअर एब्डोमेन में और पीठ की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होता है। यदि यह कंडीशन है तो पेशेंट को टेरेबिंथिया देने से बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी यूटीआई की कंप्लेंट को कम करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।